दोस्तों इस प्रकार के वीडियोस हम डेली डेली नहीं बनाते हैं और ये चैनल अपडेट के लिए कम क्लासेस के लिए और शिक्षक भर्ती यूपी टेट सी टेट के बेहतर रिजल्ट के लिए जाना जाता है। वन डी एग्जाम स्टडी चैनल को आप देख रहे हैं और क्लासेस की अपडेट और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जुड़ने का प्रोसेस आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में एक नीले कलर का लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। ये वीडियो शायद लगभग 15 दिन के बाद इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और डायरेक्टली आपको बताएंगे बिना घुमाए फिराए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक डिसलाइक करना आपकी मर्जी है। यूपी टेट कब होगा, सी टेट कब होगा, प्राथमिक जूनियर सुपर टेट ये कब होंगे परीक्षाएं, ये अनुमानित है। कई सारे लोगों से बात की गई जो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उनके आधार पर हम आपको ये अपडेट देंगे। और यूपी टेट की अगर हम बात करें तो जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आ सकता है। परीक्षा की अगर हम बात करें तो सितंबर या अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है, ठीक है। सी टेट की बात करें, सी टेट का नोटिफिकेशन जुलाई में कभी भी आ सकता है, परीक्षा दिसंबर में होने के चांसेस हैं। परीक्षा कब होगी, दिसंबर में। सी टेट की नोटिफिकेशन जुलाई में कभी भी आ सकता है। प्राथमिक सुपर टेट की अगर हम बात करें तो कड़वा बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम आपको बता दें प्राथमिक सुपर टेट जो है ये यूपी टेट के बाद ही होगा। आप लोग चाहे इस बात को नकारात्मक सोचें या फिर सकारात्मक, ये आप पर डिपेंड करेगा। उसका रीजन भी है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, मतलब आने ही वाला था, डेट वगैरह सब कन्फर्म थी कि इतनी तारीख को परीक्षा होगी, ये सारी चीज़ें। तो अब अगर हम बात करें कि प्राथमिक सुपर टेट की, तो ये यूपी टेट के बाद ही होगा, पहले हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैकेंसी तो आएगी ये आप भी जानते हैं, बट कब आएगी, तो इसका सीधा सा जवाब है यूपी टेट के जस्ट बाद। जैसे 69,000 में क्या हुआ था, 18 नवंबर को शायद यूपी टेट की परीक्षा हुई थी और फिर एक या डेढ़ महीने का समय मिला था आपकी सुपर टेट की परीक्षा हुई थी, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा। वैकेंसी आएगी ये बात तय है, आप भी जानते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि विभिन्न अधिकारियों से ये पता चल रहा है जो बेसिक शिक्षा विभाग में है, उनसे बात करने पे कि अब जो है सरकार जो भर्तियां हुई हैं उनका भी डेटा मांग रही है और जो खाली पद हैं उनका भी डेटा मांग रही है। ये हो सकता है आपने एक लेटर देखा हो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा 29/6/2021 को जारी किया गया है, ठीक है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बस्ती, इसमें यह कहा जा रहा है कि जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना की आवश्यकता है और ये जानकारी 30 तक मांगी गई है, यानी आज ये जानकारी भेज दी गई होगी। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है, वैकेंसी तो आएगी, प्रोसेस होता है हर चीज़ का, वैकेंसी आएगी, पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा, फिर सरकार ये देखेगी कि कितने पदों को हम एक बार में भरें या दो बार में भरें, इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। हम क्लासेस चला रहे हैं शाम को 4 बजे, 5 बजे, 7:30 बजे और 9 बजे। और जूनियर सुपर टेट की बात करें तो ये अभी कुछ कह पाना मुश्किल ही है कि जूनियर सुपर टेट फाइनली कब तक होगा। एक अनुमान की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा आपकी अगस्त लास्ट तक हो जानी चाहिए, अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह में। उम्मीद करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक करना डिसलाइक करना आपकी मर्जी है। यहाँ पे कुछ क्लासेस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।